बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाना शाना विद सईदा। आज मैं बनाने लगी हूँ मीठे चावल, स्पेशल रेसिपी है ईद के लिए। आप भी बनाइएगा, ट्राई करें। इसके लिए मैंने आधा किलो चीनी ली है। इसकी मैं चाशनी बना लूँगी। चीनी को थोड़ा मेल्ट करेंगे तो इसमें तकरीबन 3 सब्ज़ इलायची, 2-3 लौंग और 2 टुकड़े दालचीनी के लिए मैंने। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी अच्छा बनेगा आपके चावलों का। 1 चम्मच मैंने लिया है तकरीबन 200 ग्राम घी। आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चीनी को थोड़ा। देखें जी, चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। इसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें किशमिश और बादाम। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक काजू वगैरह भी डाल सकते हैं। आप फ्लेम को स्लो रखें ताकि नीचे से चीनी जो है ना जल ना जाए। इसमें मैंने 2-3 कलर ऐड किए हैं और केवड़ा वाटर। देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चाशनी बनी है। अब मैंने इसमें ऐड किए हैं चावल। चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था तकरीबन 80%। अब अच्छी तरह मिक्स कर लें और फ्लेम को बंद कर दें। चावल जब मिक्स हो जाएंगे, अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसमें डाला है केवड़ा वाटर और 2-3 तरह के कलर, आप देख सकते हैं। चावल में पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, देखें। अब इसमें मैंने केवड़ा वाटर ऐड करके फिर कलर ऐड करूंगी और इसको दम पे लगा देंगे बिल्कुल स्लो आंच पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। देखें जी माशाल्लाह, देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको ये चेक कराऊंगी कैसे बने हैं। आप भी ईद पे बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं अब रोज़ आपके साथ नई रेसिपी शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।